नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में ओल उखाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। यूपी में पुलिस द्वारा पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जाप नेताओं ने फूंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, युवाओं को स्वरोजगार का दिया गया प्रशिक्षण। प्रतिमा विसर्जन में गए युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, सभी दल कर रहे हैं जीत का दावा। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार सुबह की है। सूत्रों के अनुसार कई राउंड गोलियां भी फायर की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए रेफर अस्पताल भेज दिया। दरअसल जमीन से ओल उखाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि एक पक्ष की ओर से 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के घंटाघर चौक के समीप गुरुवार को युवा शक्ति एवं जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि यूपी पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड की सीबीआई जाँच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो हम लोग पुतला दहन किए हैं युवा शक्ति भागलपुर और जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा, हमारा ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिस तरह से पुलिसिया इनकाउंटर में फर्जी मुठभेड़ में व्यवसायी पुष्पेंद्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ में हम लोग ये मांग करते हैं। हमारा संगठन का मांग है कि पुष्पेंद्र यादव के फर्जी हत्याकांड में जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं सभी पे 302 का मुकदमा दर्ज हो और इस घटना की जांच सीबीआई से हो। चुकी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को भागलपुर के तिलकामांझी स्थित होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर यूको आरसीटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेरोजगार युवाओं को दुकानदार से संबंधित कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व यूको आरसीटी अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर ने किया। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए अशोक कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवा सीधे स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। इस अवसर पर कर्मी महिला और पुरुष युवा मौजूद थे। यूको बेंच ही इसको कंडक्ट कर रही है। ट्रेनिंग का जो भी अरेंजमेंट होता है सारा मैनेजमेंट यूको बेंच के द्वारा हो रहा है। इसमें हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है इसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या जो भी मेरा एक्सपेंसेस वगैरह होता है ये सारा अप्रूव होता है। लेकिन ये जो रूरल क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कंप्लीट निःशुल्क है। इसमें चूंकि मेरा अभी रेसिडेंशियल नहीं है इसी के लिए हम कैंडिडेट का भोजन का व्यवस्था यहाँ पर होता है और आने जाने का हम लोग जो फेयर होता है जो एक स्टिपुलेटेड नियम है उस नियम के तहत उनको हम लोग फेयर भी देते हैं। दुर्गा पूजा विजयादशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन करने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के दो दिन बाद गुरुवार की सुबह युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक युवक की पहचान महगामा निवासी विष्णु नारायण साह के 23 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक 8 अक्टूबर को महगामा दुर्गा विसर्जन मेला देखने गया था। देर रात वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। गुरुवार की सुबह युवक का शव तालाब में तैरता दिखाई पड़ा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं गुरुवार को नाथनगर उपचुनाव को लेकर राजद ने खरीवांध में प्रधान कार्यालय का शुभारंभ किया।
कार्यालय का उद्घाटन युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव और राजद प्रत्याशी राविया खातून ने फीता काटकर किया। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी राविया खातून का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं की बैठक युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में लग जाने की बात कही। वहीं बुलो मंडल ने कहा कि नाथनगर विधानसभा चुनाव में राबिया खातून की जीत पक्की है। वहीं प्रत्याशी राबिया खातून ने कहा कि नाथनगर के विकास के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर जर्रार अहमद समेत राजद के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, यह जो पूरे देश में और राज्य में जो एक ताकत जो काम कर रही है, नीतीश कुमार जिसके गोद में खेल रहे, जो एनडीए की सरकार इस राज्य में है और लोग कैसे कैसे परेशान हैं, चाहे आप सीओ के यहाँ जाइए, वीडियो के यहाँ जाइए, थाना के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, बाढ़ पीड़ितों की हाल को देखिए, चाहे सारे जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उसमें लूट जो चल रही है, अफसरों का जो राज है, नीतीश कुमार जी ने पलटने का काम किया, इस यहाँ सृजन घोटाला जो हुआ, ये सब सारे मुद्दे लेकर हम लोग जनता जनार्दन के जनता मालिक के बीच में जाने का, सारे कार्यकर्ता जो है मैदान में एकदम कूद पड़े हैं, वोटर भी बिल्कुल खुश है और सारा जो है नाथनगर विधानसभा की जनता और मतदाता मालिक का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी इंसाफ परस्त हैं। उन्होंने गरीबों दलितों दबे कुचलों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हुए आज जेल के सैलाट में बंद होना गवारा किया, लेकिन ये घोटालेबाज सरकार, ये पूंजीपति सरकार, ये सामंतवाद सरकार, ये गरीबों को ठगने वाली सरकार के सामने घुटना टेकने का काम नहीं किया है। जनता हर चीज को जान रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि लक्ष्मीकांत मंडल को उपचुनाव में टिकट मिलना कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से प्रखंड, पंचायत एवं बूथ स्तर पर जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने की बात कही। बैठक में सांसद अजय मंडल, सांसद कहकशा परवीन, विधायक सुबोध राय, गोपाल मंडल, पूर्व मेयर दीपक भुवानिया, ब्रजकिशोर सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जपाइगो संस्था द्वारा गुरुवार को भागलपुर के सदर अस्पताल सभागार में फैमिली प्लानिंग से जुड़े डॉक्टरों और हेल्थ प्रोवाइडर को फैमिली प्लानिंग से संबंधित सभी सर्विसेज को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में जपाइगो संस्था के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर मौजूद थे। इस दौरान एक डिस्ट्रिक्ट टीम का भी गठन किया गया, जो प्रत्येक महीने में 3 से 4 दिन जिले के सभी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर फैमिली प्लानिंग से संबंधित सर्विसेज की समीक्षा करेंगे। साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब को
अपडेट करेंगे। देखिए बेसिकली ये जो ओरिएंटेशन, ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग टीम की ट्रेनिंग चल रही है। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक टीम बनाई जा रही है और उन टीम का काम होगा कि महीने में कम से कम 2 या 3 फैसिलिटी में जाना और वहाँ पर फैमिली प्लानिंग से संबंधित जितनी भी हमारे सर्विसेज हैं उनकी समीक्षा करना और इसके अलावा जो भी हमारे वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी मेंटरिंग भी करना। भागलपुर के तिलका मांझी जेल रोड स्थित जबारीपुर काली मंदिर के समीप कायाकल्प आयुर्वेदिक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने किया। वहीं संचालक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि क्लिनिक में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा और चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। मौके पर डॉक्टर सीताराम शर्मा, डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई चिकित्सक और समाजसेवी मौजूद थे। आज ये 10वीं के शुभ अवसर पर कश्यप कायाकल्प चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सालय के यहाँ पर शुभारम्भ हुआ है। यह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है और अखिलेश कुमार विजय द्वारा आयुर्वेद की अच्छी चिकित्सा सुविधा जो है आज भागलपुर में उपलब्ध कराई जाती है और ये खुशी की बात है कि उन्होंने अपने मूल केंद्र के अलावा ये अपना एक ब्रांच जो है यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग पर इन्होंने अपना ये शुभारम्भ किया है। हम लोग विगत 20 वर्षों से भागलपुर में आयुर्वेद की सेवा प्रदान करते आए हैं। लोगों को ध्यान में रख करके इस साइड जो क्षेत्र है तिलका क्षेत्र, यहाँ के लोग का डिमांड था कि इधर भी एक क्लिनिक इसका होना चाहिए। उन्हीं लोग ख्याल रख करते हुए हमने प्रयास किया है कायाकल्प आयुर्वेदिक क्लिनिक तिलका मांझी जवारीपुर रोड में खोलने का प्रयास किया है। लोगों को इससे लाभ मिलेगा। चेहल्लुम को लेकर मुस्लिम हाई स्कूल में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अखाड़ा और निशान जुलूस को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। भागलपुर में 20 अक्टूबर को शिया समुदाय और 21 अक्टूबर को सुन्नी समुदाय का पहलाम होगा। वहीं कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि अखाड़ा में डीजे नहीं बजाया जाएगा। मौके पर प्रोफेसर एजाज अली रोज, मौलाना गुलाम सिमनानी, डॉक्टर मजहर अख्तर शकील समेत कई लोग मौजूद थे। गत मुहर्रम में डीजे एवं लाइसेंस के अनुसार अखाड़ों का व्यवहार नहीं हुआ, जिसके लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भी अफसोस जाहिर करती है। साथ ही साथ प्रशासन जो भी कदम उठाएगी उसका हम लोग तायद करेंगे। दूसरी बात कि 20 तारीख को बिहार सरकार ने चेहल्लुम की छुट्टी घोषित की है, लेकिन भागलपुर में एक खास स्थिति है कि यहाँ हमारे जो सिया बंधु और सुन्नी बंधु अलग अलग दिनों में आपसी तालमेल से कई दशकों से मुहर्रम और चेहल्लुम मनाते आए हैं। नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के द्वारा गुरुवार को कहलगांव के अंतिचक स्थित वटेश्वर स्थान में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने पूरे मंदिर परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही स्थानीय दुकानदारों को दुकान के आगे डस्टबिन रखने की बात कही। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा कोर संतोष कुमार ने किया। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नवनिर्मित बाईपास के समीप तेज रफ्तार और नियंत्रित टाटा सुमो ने मवेशी को जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में मवेशी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि गाड़ी अनियंत्रित होकर बाईपास के नीचे गड्ढे में जा गिरा। घटना में पशुपालक भतौरिया निवासी उत्तम यादव भी घायल हो गया। घटना को लेकर पशुपालक उत्तम यादव ने बताया कि बुधवार की शाम मवेशी चराकर वापस अपने घर भतौरिया लौट रहा था। इसी दौरान कंजिया हुलास स्थान चौक के समीप तेज रफ्तार सुमो ने टक्कर मार दिया। प्रीत ने बताया कि मवेशी ही उसकी जीविका का साधन था। वहीं प्रीत मुआवजा दिए जाने को लेकर धरने पर बैठ गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने गाड़ी मालिक से मुआवजा दिलाए जाने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। बाबूजी आ रहा था भैंस लेके उधर से फिर बोलेरो धक्का मार दिया, अपने साइड से आ रहा था, 1 लाख का नुकसान हुआ। अभी जेनू भैंस था, हमें साइड के चलो जाए लिए गाड़ी झटका से तो चलो हाँ झटका से पैसा को सीन लग गया मोर्ची, हम बाएं साइड से जा रहे हैं। बांका के पंजवारा स्थित सती काली मंदिर परिसर में 24 घंटे से चल रहे अखंड रामचरितमानस पाठ का समापन गुरुवार को संपन्न हो गया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ महिलाओं और बच्चों ने संपूर्ण पाठ में हिस्सा लिया। पाठ के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया, जिसके बाद पूजा के उपरांत महाप्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिवाकर ठाकुर, माधव झा, चुन्ना ठाकुर, मिंकू ठाकुर, मयंक गौरव की सराहनीय भूमिका रही। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में ओल उखाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल।
यूपी में पुलिस द्वारा पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जाप नेताओं ने फूंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, युवाओं को स्वरोजगार का दिया गया प्रशिक्षण। प्रतिमा विसर्जन में गए युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, सभी दल कर रहे हैं जीत का दावा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।